नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है पालक बेसन की सूखी सब्जी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, साथ ही बनाने में भी आसान है। मैंने इसके लिए एक बंच पालक लिया है, जिसे अच्छी तरह से धो के बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। और इसकी ये नरम नरम सी टहनी है, वो भी मैंने ली है। और 2 से 3 बड़े प्याज लिए, जिसे लंबाई में मैंने कट कर लिया है। 3 टमाटर लिए हुए, इसे भी बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पे 1 कटोरी बेसन लिया हुआ, लगभग 4 से 5 चम्मच बेसन है ये। इसे धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट मैंने अच्छे से भून लिया है। तड़के के लिए 1/4 चम्मच हींग ली हुई है। तड़के में मैं डाल रही हूँ सूखी लाल मिर्च, चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हो, मिर्च आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हो। तड़के के लिए 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल है। तड़के के लिए 1 चम्मच राई ली हुई है। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया हुआ, 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर लिया हुआ। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। सब्जी को तड़का लगाने के लिए मैंने सरसों का तेल कढ़ाई में डाल दिया था। तेल अच्छा गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें डालूंगी राई और सूखी लाल मिर्च, इसको थोड़ा सा तड़का दिया है मैंने, और हींग डालूंगी। साथ ही डाल दूंगी मैं प्याज। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए प्याज डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने, और लो से मीडियम हीट पे 2 से 3 मिनट भून लूँगी प्याज को। ये देखिए प्याज को 2 से 3 मिनट मीडियम आंच पे मैंने अच्छे से भून लिया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और नमक जब भी खाएँ, सेंधा नमक खाएँ, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे और भुन भी जाएगा मसाला। गैस की आंच अभी मैंने मीडियम रखी हुई है। ये देखिए हल्दी मिर्च अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब मैं इसमें पालक और टमाटर दोनों डाल दूंगी। मसाले के साथ मैं मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ पालक डाल दूंगी। पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने टमाटर भी डाला है और पालक में भी अभी काफ़ी पानी छूटता है अपना। तभी मैं ढक करके पहले अच्छे से मिक्स कर लूंगी, उसके बाद मैं ढक करके लगभग 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे पका लूंगी। और बेसन को तो मैंने पहले ही अच्छे से भून के रखा हुआ, हाफ कुक तो वो हो ही चुका है। देखिए 10 मिनट के अंदर सब्जी आराम से बन जाती है। बस थोड़ा सा हम सॉफ्ट करेंगे पालक और टमाटर को, और उसका पानी छूट जाएगा, उसी में हम बेसन डालेंगे और अच्छे से दोनों फिर पक जाएंगे, सब्जी भी और बेसन भी। ये देखिए सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने, वो गैस के आँच अभी फुल रखी हुई है। आप अभी देख सकते हो पानी छूटने लगा है, तो मैं धीमी आंच करके 2 से 3 मिनट अच्छे से पकने देती हूँ टमाटर और पालक को। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुका है सब्जी को पकते हुए। ये देखिए हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला था, टमाटर और पालक का अच्छा पानी छूटा हुआ है। एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसी पानी में बेसन अच्छे से पक जाएगा। बस बीच बीच में हमें देखते रहना होगा, तो अब मैं इसमें बेसन डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स करूंगी। ये देखिए, और ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। नॉर्मली हम पालक की सब्जी तो ऐसे बनाते हैं, बेसन के साथ बना के देखिए। ये देखिए बेसन डालते से पानी जितना था एब्जॉर्ब हो गया है, इसी में अच्छे से पक जाएगा बेसन भी। और पहले से भुना हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में। ये देखिए, और अब देख सकते हो कि हमने बेसन इतना नहीं डाला है कि पालक ना दिखे, दोनों का ही टेस्ट आएगा बढ़िया सब्जी में। तो अब मैं धीमी आंच करके ढक देती हूँ, फिर से 2 से 3 मिनट बाद चेक करेंगे। पालक बेसन की सूखी सब्जी को पकते हुए लगभग 2 से 3 मिनट और हो गए हैं। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। लगभग 3 से 4 मिनट में इसे और अच्छे से पका लूँगी।
पालक बेसन की सूखी सब्जी को मैंने लगभग 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर और अच्छे से पका लिया है। पालक बेसन की सूखी सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हो कि हमने इतना बेसन डाला है जिसमें पालक भी दिखाई दे रहा है और बेसन भी है, तो दोनों का टेस्ट हमें अच्छा आता है। बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्जी, तो सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। पालक बेसन की सूखी सब्जी बनके तैयार है खाने के लिए, और आपने देखा ये सब्जी बनाना कितना आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, जिसे आप रोटी पराठे के साथ में खा सकते हो। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि पालक बेसन की सब्जी आपको कैसी लगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।